एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 22 जनवरी 2022 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। इसके साथ जो भी एमपी पटवारी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मैथ की क्लासेस का टाइम डेली 6 बजे डेली लाइव क्लास चलती है। इसके अलावा हिंदी क्लासेस डेली 9 बजे चलता है यहाँ पे, और 10:15 बजे आपका जो चलता है इसमें मैनेजमेंट की क्लासेस चलता है, कल ही स्टार्ट हुआ है। ये सभी क्लासेस आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इन सबकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इनका पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो मनाया जाता है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। देश में आगामी व्यवसायों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने पर ध्यान देने के साथ 16 जनवरी को 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में अपनाया गया। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिवस को अपनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है प्रवीण शर्मा जी को। इसका डिटेल देखते हैं। प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2005 बैच के इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग के अधिकारी हैं। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में किस मंत्रालय ने भाग लिया था? ये पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया हुआ है। पर्यटन मंत्रालय मैड्रिड स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है। फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्म या फितूर का आयोजन स्पेन में 18 से 22 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। इंडिया पेविलियन का उद्घाटन स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने किया। पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 10 से 12 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो यह प्राप्त किया है मुकेश अंबानी ने। इसका डिटेल देखते हैं। मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है। NVIDIA के CEO जलसन हुआंग और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी इंडेक्स में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। 2022 में टॉप करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला तीसरे स्थान पर हैं। इकोनॉमिक ईयर रिपोर्ट के अनुसार भारत 2045 तक कितने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये बनेगा 26 ट्रिलियन डॉलर की। इसका डिटेल देखते हैं। जनवरी 2023 में जारी एक EY रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 अपने स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति आय $15,000 को पार कर जाएगी, जिससे वह शीर्ष विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने पश्चिमी घाट में एक नया बेसाल्ट पठार खोजा है? ये हो जाए आपका महाराष्ट्र में। इसका डिटेल देखते हैं। शोधकर्ताओं ने जनवरी 2023 में डॉक्टर मंदार दातार के नेतृत्व में एक टीम द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की है। पठार में अब तक खोजे गए 24 विभिन्न परिवारों के पौधे और झाड़ियों की 76 प्रजातियों के साथ एक व्यापक वनस्पति है। इस क्षेत्र का अध्ययन पुणे महाराष्ट्र के आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, द्विसदनीय विधानमंडल है, विधान परिषद सीटें 78, विधानसभा सीटें 288 हैं। इसके आसपास के राज्यों में मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, ये सब इसके आसपास के राज्य में आते हैं। हाल ही में किसे 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है RV प्रसाद को, आर विष्णु प्रसाद को। 20 जनवरी 2023 को दिल्ली में इंडियन अचीवर्स अवार्ड में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करता है। कुछ अन्य पुरस्कार विजेताओं में परमवीर चक्र, सूबेदार मेजर संजय कुमार, भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद और अन्य शामिल थे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ओडिशा ने। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने 20 जनवरी 2023 को ओडिशा के जाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस तरह का पहला शिल्प शिखर सम्मेलन जिसमें अग्रणी शिल्पकार संस्कृत और कला के प्रति उत्साही लोग शामिल होंगे। स्थानीय कारीगरों और अन्य हितधारियों के लिए साथ जुड़ने के लिए 15 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि जाजपुर पहुंचे हैं। ओडिशा की बात करें, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं। विधान सभा सीटें 147, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10 हैं यहाँ पे। हाल ही में आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पहला जिला कौन बना है?
केवल है वायनाड, वायनाड किस में आता है, तो केरल का वायनाड जनवरी 2023 में सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। यहाँ आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। विधानमंडल 1 सदनीय है। विधानसभा सीटें 140, राज्यसभा सीटें 9, लोकसभा सीटें 20 है। यहाँ पे हाल ही में भारत ने ऋण पुनर्गठन के लिए सबसे पहले किस देश को आश्वासन दिया है, दिए दिया श्रीलंका को। इसका डिटेल देखते हैं। भारत श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता राष्ट्र बन गया है, क्योंकि द्वीप राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक वित्त पोषण पैकेज को पाने का प्रयास कर रहा है। भारत ने IMF को वित्तीय आश्वासन दिया है। जनवरी 2023 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये मैंने व्हाट्सएप नंबर भी लिख दिया है, यहाँ से भी डायरेक्ट मैसेज करके आप हमसे व्हाट्सएप में PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं।